मुझे मारती है, मेरी दाढ़ी पे थुकती है, मेरी दाढ़ी पुकी है। अगर मैं रोक दें इन्हां नूं गैर बंदे आउंदे है, हैं ये मैनू धमकी देंदे कतल दी। पुलिस वाला भी आउंदा, उन्हें मैनू वार वार दिखाया है, अगर तू रोकेगा असी तेनू गोली मार देंगे। मैं गरीब आदमी है, हैं मेरी मदद की जाए। फांसी अड्डा इधर चल रहा है जी, ये बंद कराना चाह रहे हैं हम। ये हमारे को अगर हम इसको रोकते हैं तो ये हमारे को धमके देती है, 15 नंबर पे कॉल कर देती है, पुलिस बुलाती है, हमें परेशान करती है, अपने वालिद को भी यानी कि परेशान करती है या मारती है। हम उसको कुछ कहते हैं तो कहती है तुम्हारा कुछ लगता है, हम कहते हैं हम सही गिरी है। ये बहुत वाहियात बदतमीज और बेहुदा औरतें हैं, इन बेहतर यही है कि किसी ना किसी तरह से इन्हें निकाला जाए। इन्होंने बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई हुई है और हर जगह का नौजवान इनके घर आता है, आवारा तरीन वाहियात बहुत ही ज्यादा, और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लड़ती हैं, झगड़ती हैं और बिल्कुल इतनी गंदी गालियां देती हैं ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हमारा DSP खानपुर से मुतालबा है कि ये कार्रवाई फौरी की, और बहुत ये फहाशी फैलाती हैं। यहाँ से हम लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है, हम बच्चियों वाले लोग हैं, यहाँ से आ जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल खड़े रहते हैं यहाँ गली में, जब भी देखो कभी कोई आया होता है, कभी कोई आया होता है। हमारी बच्चियां जवान, हम कहाँ जाएं, तो इनका पहला ही गली में घर है जो वहाँ से हमें गुजरना पड़ता है, तो इनको ना बराए मेहरबानी यहाँ से ना रफा दफा। ना बाप से समझती है ना मोहल्लेदारों से, कई खवातीन को भी कश्मीर का निशाना बनाया है और कई लोगों पे भी ईंटें फेंकी हैं, और जो बोलता है उसमें तशद्दुद करती है। पुलिस वाले आते हैं घर पे, बाहर मोटरसाइकिल बंपर पे आके उधर चले जाते हैं, और उसके अलावा लोग आते हैं, जब मोहल्ले वाले एतराज करते हैं तो उसके बाद ये गालियां देती है, बंपर पे काले देती है, कहती मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भाई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लोगों को अजीत में तो ना देना। इस बाबे को इतना मारा है, इसकी गलती करती है, हर महीने उसको छुड़ाते हैं, इसको कपड़े उतार देते हैं, मारते हैं, नंगा करके बाहर निकाल देते हैं, खाने में थूक देते हैं, इसके मुंह पे थूक देते हैं, इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। नहीं, इनकी बेटी अकेली है, सिर्फ वाइफ भी इसके साथ, पूरे घर का यही हाल है, बेटी बेटा मवालदा तीनों मिले हुए हैं, जो लोग आते हैं उनसे माल मूल ले लेते हैं, और बाहर ये देख लो किराए के मोटरसाइकिल पे आते तो उसको भी कूट देते हैं, किराए वाले मोटरसाइकिल वाले को भी रोड पे कूट के वापसी भेजते, किराया नहीं देते, यहाँ तक जुल्म करते हैं। निकाह पे निकाह है, कोई इद्दत पूरी नहीं की, कोई तलाक नहीं है, उसके पास 6 निकाह कर ऐसे बाबा जी, बिल्कुल निकाह पे निकाह, बस लूटने का दिन है, और वही ब्लैक मेलर वाला टोला। हम कुछ कहते हैं, कहते हैं।